नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बागेश्वर कॉलेज के परिसर में एबीपी और एनएसयूआई के छात्र गुटों में झड़प हुई है। दोनों छात्र गुटों के बीच जमकर लात कूसे चले हैं। कॉलेज परिसर में एबीपी और राजनीतिक मीटिंग करने का एनएसयूआई ने आरोप लगाया। एनएसयूआई ने कहा कि एबीपी बिना परमिशन के बैठक कर रही थी, इसके बाद दोनों छात्र गुटों में जमकर मारपीट हुई है। बात करेंगे मौसम की तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून के लिए आज रात में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आज रात में टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मंगलवार को और बुधवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि 1 अगस्त को बारिश में कुछ कमी होने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। वार्निंग पे जाते हैं, अगर आज 29 तारीख के लिए बात करें तो ऑरेंज में हमने जो है वार्निंग देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए रखी है, जिसमें हैवी से वेरी हैवी रेन की संभावना है। और इसी तरह जो हैवी रेन से उसमें टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत इनको रखा गया, और अंदर अगर बात करें तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को वो रखा गया है। कल जब आप जा रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ रही है, तो जो हमारे देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत या हरिद्वार और इसी तरह उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, इनमें हैवी से वेरी हैवी इन सभी डिस्ट्रिक्ट में वो दिख रही है एक्टिविटी की इस तरह की मिलेगी। गढ़वाल कमिश्नर ने आज टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया। गढ़वाल कमिश्नर ने पहले विनकाल राहत कैंप में प्रभावितों का हालचाल जाना, उसके बाद आपदा प्रभावित तिनगढ़ गांव का दौरा किया। कमिश्नर ने राहत कैंप में जरूरी सुविधाएं बढ़ाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही बताया है ग्रामीणों के साथ एक संयुक्त टीम बनाकर क्षेत्र का निरीक्षण कर विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। टिहरी में बूढ़ा केदार में 27 जुलाई को गाँव के ऊपर भारी भूस्खलन हुआ था, इसके बाद प्रशासन ने पूरे गांव को खाली करा दिया। वहीं गांव के करीब 70 परिवारों को विनकाल राहत शिविर में रखा गया है। ज्वाइंट इंस्पेक्शन शुरू होगा और जैसे जैसे स्थान मिलते जाएंगे वैसे वैसे विस्थापन की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। अभी जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, जो हमारा शेल्टर होम चल रहा है, जो हमारा एक लोगों ने अपनी शरण ले रखी है, वहाँ का मैंने निरीक्षण किया, लोगों से बात की, लोगों के लिए खाने पीने रहने शौचालय सभी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। सिंचाई और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने आज बारिश से पैदा हुए हालात के साथ ही राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को सड़क बंद होने के बाद तत्काल खोलने के आदेश दिए, साथ ही बाढ़ के खतरे को देखते हुए नदियों को वक्त पर चैनलाइज करने के लिए भी कहा। इस दौरान मंत्री को बताया गया कि सुरक्षा को लेकर जरूरी बाढ़ चौकियां स्थापित कर ली गई हैं। पीडब्ल्यूडी ने बताया कि अल्मोड़ा के मोहान में पुल टूटने के बाद 100 फीट का वैली ब्रिज बना दिया गया है। टिहरी के बूढ़ा केदार में भी वैली ब्रिज ही बनाया जाएगा। पूरी स्थिति हमारे नियंत्रण में है और धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे मैं समझता हूं कि जब पानी कम होगा तो नियंत्रण में आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस समय जो है हमारे रोड भी खुली हुई है, चारधाम यात्रा हमारी पूरी तरीके से चल रही है। फिर भी कहीं पर अगर लैंडस्लाइड आता है, कोई सड़क टूटती है, तो हमारी जेसीबी और हमारा डिपार्टमेंट वहां तैयार है। मॉनसून में पहाड़ों का दरकना वैसे तो आम बात है, लेकिन बीते कई सालों में इसकी रफ्तार बढ़ गई है। इसके लिए कमजोर चट्टानों के साथ रोड कटिंग को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। मॉनसून में उत्तराखंड के शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां दरकती पहाड़ियों ने तांडव न मचाया हो। लैंडस्लाइड की ज्यादातर घटनाएं उन इलाकों में हो रही हैं जहां बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके लिए पहाड़ों का सीना भी छलनी किया जा रहा है। नतीजा यह है कि बारिश होते ही बड़ी बड़ी पहाड़ियां टूटकर तांडव मचा रही हैं। पहाड़ियों के टूटने की रफ्तार में बेतरतीब रोड कटिंग ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। हिमालय की एक विशिष्ट विशेषताओं में आता है, उसमें से एक फ्रेजिलिटी भी है, मतलब हिमालय
फ्रेजाइल है, तो यहाँ पर ये तो भूस्खलन और भूचरण होगा ही, लेकिन जैसे आपने बताया कि इसको कम कैसे किया जा सकता है, कम किया जा सकता है उसके लिए मुझे लगता है कि एक समेकित अनुसंधान की जरूरत होती है। उत्तराखंड में बीते कुछ सालों में ऑल वेदर रोड का जाल बिछा है, रेल भी पहुंचाई जा रही है, साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी रोड पर काफी काम हुआ है, लेकिन रोड कटिंग के दौरान नियमों की अनदेखी बरसाती सीजन में भारी पड़ रही है। हालात ये हैं कि दर्जनों सड़कें हफ्तों से बंद हैं। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कम से कम स्लाइडिंग जोन बने तो उसको लेकर हर पहाड़ पर लगातार ट्रीटमेंट चलता है। सामान्यतः यदि हम ऑल वेदर रोड के उसमें भी देखते हैं तो कहीं कहीं भी जहां ये देखने को मिला है और ट्रीटमेंट को होते हुए यदि कुछ वर्ष बीत गए हैं तो हम ये देखते हैं कि वो स्लाइडिंग जोन अब ठहर गया है। हिमालय के पहाड़ कमजोर माने जाते हैं, इन पहाड़ियों में जरा सी छेड़छाड़ लंबे समय तक भारी पड़ती है। ऐसे में बेहतर यही होता है कि नियमों के मुताबिक ही पहाड़ों में बड़े प्रोजेक्ट बने, इससे लैंडस्लाइड की घटनाओं को कम किया जा सके और लोगों को भी प्रोजेक्टों का फायदा मिल सके। किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में थे, यहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की। करीब एक घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, साथ ही उत्तराखंड के विषयों पर भी बातचीत हुई। बीजेपी के केंद्रीय ऑफिस में मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत में सेलिब्रेटिंग एप्पल हार्वेस्ट कार्यक्रम का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके तहत चंपावत में प्राइवेट कंपनी की मदद से सेब के 100 बगीचे तैयार किए गए हैं। सेब के बगीचे 20 महीने में ही फलों का उत्पादन करने लगे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में सेब पैदावार को बढ़ाने के लिए खास प्रयास कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन इसी का हिस्सा है। एप्पल मिशन के तहत सरकार सेब बागान लगाने वाले किसानों को 80% सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार ने सेब नीति बनाई है जिसके तहत 8 साल में 5,000 हेक्टेयर सेब बागवानी का टारगेट रखा गया है। उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों की समस्याओं का तुरंत समाधान होगा, इसके लिए तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात होंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी डीएम को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और उनके नाम और मोबाइल नंबर तुरंत शासन तक पहुंचाने के लिए कहा है। मुख्य सचिव ने सभी डीएम को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनने का निर्देश दिया है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ धाम में विवाद का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि इस बीच केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने एक नया मुद्दा उछाल दिया है। उन्होंने राज्य सरकार पर चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के नाम गुजरात की एक कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक ने कहा है कि चारधाम में रजिस्ट्रेशन को लेकर विरोध उठ रहा है, लेकिन राज्य सरकार इस कंपनी को नहीं हटा सकती है क्योंकि इसके पीछे गुजरात की बड़ी राजनीतिक पैंठ है। चारों धामों से ये आवाज आ रही है कि जो ये गढ़वाल के चार धाम है, यहाँ जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम थोपा गया है ये खत्म होना चाहिए। तो हमने जब इसकी तह में जाने की कोशिश करी तो ये 2021 में गुजरात की एक कंपनी है, एथिक्स डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, इसको ये काम दिया गया है जिसमें इनको ये जो रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन तो एक बहुत छोटा भाग था उसका, इनको दर्जन भर काम कर। देहरादून से खबर है, बद्री केदार मंदिर समिति के नए सीईओ विजय थपलियाल बने हैं। देहरादून में कैंप ऑफिस में थपलियाल ने चार्ज संभाला है। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में यात्रा का प्रबंधन मंदिर समिति ही करती है। क्या उत्तराखंड कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे और क्या प्रदेश अध्यक्ष का वास्तु को देखते हुए कमरा बदलने का असर दिख रहा है, क्योंकि जिस कमरे में अध्यक्ष रहते हुए किशोर उपाध्याय ने कुर्सी लगाई वहां से अध्यक्ष और पार्टी जीत को तरस गए, तो क्या वास्तु बदलने से कांग्रेस की किस्मत चमकेगी? देखिए हमारी रिपोर्ट।
बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव जीतकर कांग्रेस खुश है। 24 साल में पहली बार विपक्षी पार्टी ने उपचुनाव जीता तो कांग्रेस जीतने की सोच भी नहीं सकती थी, उसने उलटफेर किया। अब इस उलटफेर और कांग्रेस के दिन फिरने के पीछे वास्तु का एंगल भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पहले कमरा बदला। पुराने कमरे में नेगेटिविटी की बात करते हुए अध्यक्ष करण महारा ने नया कमरा तैयार करवाया। कमरा बदलने का फायदा लोकसभा चुनाव में जीत के तौर पर तो नहीं मिला, लेकिन बद्रीनाथ और मंगलौर की जीत के पीछे इसे एक बड़ा कारण माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा खुद मानते हैं कि कमरा बदलने का असर जीत से लेकर नेताओं के रवैये पर साफ दिख रहा है। और वास्तु का निश्चित ही फर्क पड़ता है, मैं मानता हूँ, और शुभ रहा मेरे को अपना कमरा बदलना। उसकी दिशा और उसमें जो एनर्जी है उसका लाभ मिला है। हम दोनों बाई इलेक्शन जीते हैं, यात्रा सफल हो रही है। हमारे कांग्रेस में दोबारा से पूरी एकता है, सारे सीनियर्स जूनियर्स मिलके आज काम कर रहे हैं, ये उसी का प्रभाव है। अब इस पुराने कमरे को देखिए जहां बतौर प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कुर्सी लगाई, अब ये कमरा खाली पड़ा है। पर यहां कुर्सी लगाने वाले खुद भी चुनाव हारे, जबकि इससे पहले हरीश रावत और यशपाल आर्य अध्यक्ष रहते, जिस कमरे में बैठे पार्टी वहाँ चुनाव जीती। 2017 में अध्यक्ष रहते हुए किशोर उपाध्याय विधायक का चुनाव हारे, पार्टी भी हार गई। 2019 में अध्यक्ष रहते हुए प्रीतम सिंह लोकसभा चुनाव हारे और पार्टी पांचों सीटें हारी। 2022 में अध्यक्ष रहते हुए गणेश गोदियाल विधायक का चुनाव हारे, फिर पार्टी चुनाव हारी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि वास्तु पर हम भरोसा करते हैं और जो भी है पार्टी के लिए अच्छे रिजल्ट आने चाहिए और पार्टी 2027 का चुनाव जीते। तो क्या करण महारा ऑफिस में कुछ और बदलेंगे? उसमें उनको जो पहले कमरा मुझे था या जिसमें मैं बैठता था उसमें कुछ लगा होगा, इसलिए उन्होंने कमरा आवंटित कर दिया हो, तो ये होता है, हम इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने तदनुसार जो उसमें परिवर्तन करने का काम किया है तो अच्छी बात है, सुखद परिणाम आने चाहिए। ये दोनों कमरे कांग्रेस के पिछले 10 साल का इतिहास है जिसमें अब जाकर पार्टी विपक्ष में रहते हुए दो उपचुनाव जीती है। अब देखना होगा कि पार्टी अध्यक्ष का कमरा बदलने का फैसला फिर सत्ता में वापसी करवा पाता है या नहीं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिले के जखोल में सोमेश्वर मंदिर को तोड़ा जा रहा है। ये पुराना मंदिर है और 22 गांव की आस्था का केंद्र है। गांव के कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज से इसकी शिकायत की, तो सतपाल महाराज ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मंदिर तोड़ने का काम हंस फाउंडेशन कर रहा है और कहा गया है कि उत्तराखंड शासन पुरातत्व विभाग के लिए मंदिर को आदेश दें। खास बात यह है कि हंस फाउंडेशन सामाजिक संस्था है, इसे भोले जी महाराज और माता मंगला जिसके संस्थापक हैं। न्यूज 18 ने इस मामले में फाउंडेशन से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। कहा है कि भाई कौन संस्था बना रही है, क्या बना रही है, क्या उनके पास पर्याप्त फंडिंग है, क्या क्या उनके पास एक्सपर्टीज है, मंदिर बनाने के उनके पास कौशल है, क्या उन्होंने प्लान सबमिट किया है, आखिर वो क्या करने जा रहे हैं ये तो पता चले। और उसमें 22 गांव का मंदिर है तो 22 गांव की सहमति होनी चाहिए। वहीं मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सतपाल महाराज के ध्रुव विरोधी पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसको लेकर सोशल मीडिया पोस्ट किए। हरीश रावत ने कहा कि धर्मस्व मंत्री ने हंस फाउंडेशन पर आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं जो संस्था राज्य के हित में काम कर रही है। उन्होंने लिखा कि जरा गांव वालों से पूछ लेते, उनके आपसी झगड़े का बहाना लेकर आप हंस फाउंडेशन को अच्छे काम करने से रोकना चाहते हैं, ये राज्य के हित में अच्छा नहीं है। नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। रविवार को हमने बजू नधौड़ा सड़क का डाबर बारिश के दौरान करने और पूरी सड़क बहने की खबर को दिखाया था, जिसके बाद डीएम नैनीताल ने खबर का संज्ञान लिया और पीडब्ल्यूडी को निरीक्षण करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि मानसून के बाद पूरी सड़क में दोबारा डाबर करें और सड़क किनारे नालियों का भी निर्माण करें। जो प्रांतीय खंड एक्सीएन है पीडब्ल्यूडी, इसकी एग्जीक्यूशन एजेंसी है, उनसे बात की है, उनको स्वयं निरीक्षण करने के लिए कहा है। जहां जहां भी गुणवत्ता संबंधी शिकायतें आई हैं या ड्रेनेज नहीं होने की वजह से डामर उखड़ने की समस्या आई है, वहां उसमें वो सुधारात्मक कार्य कराएंगे और जो जहां जहां भी खराब है उसको पुनः डामरीकरण जो है मानसून के बाद टेकअप करा जाएगा।
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एकेडमी में शनिवार रात हुई घटना के बाद देहरादून जिला प्रशासन भी हरकत में आया है। डीएम सोनिका ने बताया कि घटना के संज्ञान में आने के बाद पुलिस, एमडीडीए और सभी प्रशासन के अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि शहर में स्थित हर बिल्डिंग को चेक करें। किसी भी बिल्डिंग के बेसमेंट में कार पार्किंग यदि के अलावा यदि दूसरी कोई एक्टिविटी हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। आपको बता दें कि देहरादून में भी कई बिल्डिंगें हैं जिनके बेसमेंट में पार्किंग की जगह कॉमर्शियल एक्टिविटी चला रहे हैं। इसके क्योंकि ये बात संज्ञान में भी आई है तो हम लोग भी यहाँ से, मैं VCMDD और जो पुलिस विभाग है उनको पत्र भी दे देंगे, एक ज्वाइंट समिति बनाते हुए हम लोग इसमें एक सर्वे करा लेंगे कि कहीं कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं हो रही। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में मंगलवार को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी खुद हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ियों का चरण वंदन करेंगे और शाम को ओम पुल पर आयोजित शिव संध्या में शामिल होंगे। प्रशासन ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। सबसे पहले जितने भी श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं कांवड़ श्रद्धालु, उनका चरण वंदन है जैसा प्रोग्राम लास्ट ईयर भी रहा था, और उसके बाद लगभग 4 बजे शिव संध्या है, पुष्प वर्षा होती आई है और कल भी 3-4 चरणों में पुष्प वर्षा होगी। आपके कार्यक्रम स्थल जो ओमपुर में है वहां पे पुष्प वर्षा होगी। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के चलते बड़ा कांवड़ बाजार सजा है। बीते कुछ सालों में कांवड़ की साज सजावट के सामान में बदलाव आया है और उन्हीं बदलाव के साथ कांवड़िए सुंदर और आकर्षक कांवड़ तैयार कर रहे हैं। कांवड़ मेले में भगवान शिव की बड़ी बड़ी मूर्तियां और स्टील के कलश ट्रेंड में हैं। इसके अलावा कांवड़ बाजार में त्रिशूल, डमरू और अन्य कई साज सजावट के सामान की डिमांड है। सबसे खास भगवान शिव को कंधे पर बैठाने वाली मूर्ति, शिवलिंग उठाने वाले बाहुबली, कांवड़ और प्रसिद्ध मंदिरों की झांकियां भी खूब बिक रही हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।